प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और खुशहाल होंगे। चलिए बच्चों, हम अपनी आज की वर्कशीट जो कि है कक्षा 4 विषय कला एवं शिल्प आर्ट एंड क्राफ्ट वीक 11 उपविषय पतंग उड़ाना को देखते हैं। तो हमें आज पतंग उड़ाने का चित्र बनाना है, तो देखते हैं हमें कैसा चित्र बनाना है। तो यहाँ पर आपको एक चित्र दे रखा है जिसमें कि एक लड़का पतंग उड़ा रहा है, पीछे पेड़ है और नीचे जमीन दे रखी है जो कि थोड़ी ऊँची नीची है। तो चलिए हम इस वाले चित्र को बनाना देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो आपको ये वाला चित्र 4 स्टेप्स में पूरा करना है। पहले वाले स्टेप में आपको बच्चे का मुंह बनाना है और उसके बाल और कान बनाने हैं। दूसरे वाले स्टेप में बच्चे का ऊपर का शरीर बनाएंगे और बच्चे के हाथ बनाएंगे। तीसरे वाले स्टेप में बच्चे की पैंट बनानी है और हाथ में एक पतंग दे देनी है। चौथे वाले स्टेप्स में बच्चों के आपको पैर बनाने हैं और साथ ही पीछे का जो ज़मीन है वो बनानी है और एक पेड़ भी बनाना है। जब आप इन चारों स्टेप्स को पूरा कर लोगे तो फिर उसके बाद आपके सामने कुछ एक इस प्रकार का चित्र आएगा। तो इस चित्र को बनाने के बाद आपको उसमें रंग भरने हैं, जैसे कि बच्चे की शर्ट में इन्होंने ब्लू कलर किया है, पैंट में इन्होंने ब्लैक कलर किया है, काइट जो कि पतंग है लाल रंग किया हुआ है, पेड़ जैसे हरे रंग का होता है और जो नीचे की ज़मीन है उसमें हल्का हल्का पीला, फिर थोड़ा सा बैंगनी उन्होंने मिला रखा है और आसमान में भी इन्होंने 3 शेड कर रखी है, हल्का हल्का बैंगनी जामुनी यहाँ पे, फिर थोड़ा सा डार्क कलर का नीला नीला रंग भर रखा है, फिर लाइट नीला जो कि आसमानी रंग होता है। तो आप लोग भी ऐसे ही रंग भर सकते हैं या फिर आप अपने अकॉर्डिंग भी इस चित्र में रंग भर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे है बेटा वर्ड आर्ट, अपना नाम लिखना। तो आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना है, तो मैं एक नाम यहाँ पर आपको लिख के दिखा रही हूँ, लेकिन आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को अपना नाम लिखना है, ठीक है? इसी प्रकार से आप लोग अपने नाम की स्पेलिंग लिखोगे। यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख रही हूँ राहुल, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे एक नाम लिखा है, आप लोग अपने नाम की स्पेलिंग लिखोगे और इनमें सुंदर सुंदर रंग भरोगे। आप हर एक लेटर में अलग अलग रंग भी भर सकते हैं जो कि बहुत सुंदर लगेगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है बेटा इनमें रंग भरिए। तो यहाँ पे इन्होंने चित्रकला लिखा हुआ और उसमें रंग भर दिया है, ऐसे ही कैलीग्राफी में लिखा है, फिर इन्होंने हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ है और उसमें भी कलर इन्होंने कर रखा है, हर एक अल्फ़ाबेट में इन्होंने अलग अलग रंग भरा हुआ है। तो आप लोग भी ऐसे ही अलग अलग सुंदर सुंदर रंग भरिए, साथ ही अपना नाम लिखकर भी आप लोगों को रंग भरना है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है बेटा भारत के स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के अवसर पर की जाने वाली गतिविधि। कैलीग्राफी होती है, लिखावट होती है अलग अलग टाइप की, तो आप भी इस, आपको भी ये लिखना है। आप इस प्रकार भी लिख सकते हो या फिर अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हो। सत्यमेव जयते, यहाँ पे इन्होंने हिंदी में लिखा हुआ है, फिर इन्होंने इंग्लिश में लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। आप इस प्रकार भी आपको अपने ड्राइंग के नोटबुक में लिखना है और फिर एक बार और इन्होंने हिंदी में लिखा हुआ है यहाँ पे सत्यमेव जयते, आपको इस प्रकार भी लिखना है। फिर आता है बेटा आपका संस्कारशाला, छोटी छोटी पर बड़ी बातें। अपने जहाज़ के आने की प्रतीक्षा न करें, उससे मिलने के लिए तैरें। खाना, दादाजी दादी जी की पसंद का खाना खाना। परिवार के साथ समय। बोलने में कठिन शब्द जैसे जिसको हम टंग ट्विस्टर्स बोलते हैं, इसे 5 बार जल्दी जल्दी लगातार बोलकर देखना है। तो हमारा टंग ट्विस्टर आज का क्या है, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। दिन की गतिविधि, अपनी पुस्तकों व कॉपियों पर आपको जल चढ़ानी है आज, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। दैनिक दिनचर्या, निम्नलिखित आदतों को अपने दिनचर्या में शामिल करें। अपने माता पिता का अभिवादन करके दिन की शुरुआत करें। अपने दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें। प्रतिदिन स्नान करें। खूब पानी पिए और संतुलित आहार लें। अपने चेहरे को छूने से बचें और अपने हाथों को बार बार धोएं। ठीक है बेटा, तो चल जल्दी से जल्दी आप लोगों को अपना नाम लिखना है, ओके, वर्ड आर्ट में, और एक पतंग उड़ाते हुए बच्चे की चित्र बनानी है। तो चलिए फटाफट इसको बनाइए। थैंक यू।